सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे. काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चन आएगा. तो हर एक लाइन को अच्छे से समझना है ताकि आप एक भी चीज को मिस ना करें और बेहतर करें, अपने एग्जाम में बेहतर करें. तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आखिर जो ये चैप्टर है हमें पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं. तो देखिए, आपको पता है कि ग्रोथ जो होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफी जरूरी होता है, और ग्रोथ एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. तो प्लांट भी ग्रोथ करते हैं, प्लांट का भी ग्रोथ होता है, राइट. और कैसे ग्रोथ होता है, कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से विटामिन्स, कौन कौन से चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे. सो द डेवलपमेंट इन द सम ऑफ टू प्रोसेस, अगर हम पूरे डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें दो चीजें आती हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो पूरा अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर किसी भी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके दो प्रोसेस हो सकते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड डेवलपमेंट इज फर्स्ट इज कॉल्ड ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. सो प्लांट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, प्लांट जो होता है एक सिंगल सेल जाइगोट से डेवलप होता है, एक सिंगल सेल जाइगोट से डेवलप होता है, विच डिवाइडेड एंड डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म अ टिश्यू एंड ऑर्गन. और ये सिंगल सेल जो होता है एक टिश्यू में डिवाइड हो जाता है, किसी ऑर्गन में डेवलप हो जाता है और कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाता है. सो अ प्लांट डेवलपमेंट फ्रॉम द सिंगल सेल जाइगोट, जो प्लांट होता है एक सिंगल सेल जाइगोट से डेवलप होता है. लेट सपोज दिस इज अ सिंगल सेल जाइगोट, और उस सिंगल सेल जाइगोट से जो होता है एक टिश्यू और ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ प्लांट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, प्लांट जो होता है रूट में डिफरेंशिएट होता है, लीफ में डिफरेंशिएट हो जाता है, ब्रांचेस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, फ्लावर में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, और फ्रूट्स एंड सीड में डिफरेंशिएट हो सकते हैं. तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप के प्लांट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को शो करते हैं. सो व्हाट इज अ ग्रोथ, ग्रोथ होता क्या है, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा. तो ग्रोथ, सबसे पहली बात कि ग्रोथ एक यूनिक फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का. अगर ग्रोथ है तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा. और ग्रोथ जो होता है ऑब्वियस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्रोथ, अगर हम थोड़ा सा 11th क्लास में जाएं और फर्स्ट चैप्टर की बात करें, तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही हो, नॉन लिविंग में ना हो. यानी ग्रोथ का मतलब सिंपल से होता है कि अगर किसी भी चीज का साइज बड़ा हो जाए, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाइट, वेट, मास, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. ऐसा मानिए कि कोई छोटा सा बच्चा है और छोटा सा बच्चा बड़ा बच्चा बन जाता है, मतलब बड़ा इंडिविजुअल बन जाता है. उसका हाइट बढ़ा, वेट बढ़ा, साइज बढ़ा, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. सिंपल, प्लांट छोटा है, बड़ा हो गया इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाइट, वेट, है ना, सो दैट इज ग्रोथ. तो ऐसे अगर हम कूड़े कचड़े को इकट्ठा करने लगे, कूड़ा को इकट्ठा करने लगे, ठीक है, तो कूड़ा का हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, सो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. सो ग्रोथ कैन बी रिपोर्टेड इन नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. कूड़ा कचड़ा एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता है. ऑल्दो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, but totally they are not present only in the living organism, because this growth can be seen in non-living also, right. So the growth can be defined as a irreversible permanent increase. Irreversible है कि ऐसा नहीं कि वो उसका साइज बढ़ा और फिर से छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है. Irreversible होता है permanent increase in the size of the organ or its part or even the entire individual cell. The growth is defined as irreversible permanent increase in the size of the organ or its part or even of an individual cell. So that is called growth. The growth is a fundamental characteristic feature of all the living organism.
लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फीचर होता है, ग्रोथ एक फीचर होता है. सो जनरली ग्रोथ इज दैट इज एक्वायर्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेस से ग्रोथ होता है और ड्यूरिंग द ग्रोथ एनाबोलिज्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कैटाबोलिज्म. सो बोथ ग्रोथ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनाबोलिक प्रोसेस कैटाबोलिक प्रोसेस एंड एनाबोलिक इज मोर देन कैटाबोलिज्म राइट. सो दिस इज होल अबाउट द ग्रोथ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि प्लांट ग्रोथ क्या होता है, कैसे काम करता है, ध्यान से समझिएगा. तो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, बहुत ही यूनिक होता है बिकॉज द प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें अनलिमिटेड लाइफ टाइम में ग्रोथ होता रहे. प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है बिकॉज द सेल्स इज प्रेजेंट, खासकर जो है एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं जैसे कीप ऑन एडिंग सेल्स, न्यू सेल को एड करते रहते हैं, करते रहते हैं, उनका साइज थ्रू आउट लाइफ बढ़ता रहता है. बाकी ह्यूमन बींग में सर्टन एज के बाद हाइट वेट सब वेट तो नहीं हाइट ग्रोथ रुक जाता है. और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो है हाइट रुक जाता है. सो द एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द कंटेन सर्टेन लोकेशन ऑफ द प्लांट. और अगर कोई आपसे कारण पूछे कि बताइए प्लांट जो है थ्रू आउट लाइफ उनमें ग्रोथ होता है, क्या कारण है, तो यस द कारण इज प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू. दिस मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज इंपॉर्टेंट टू एडिंग द न्यू सेल्स. दे आर कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड थ्रू आउट लाइफ दे आर डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग. देयरफॉर दे एडिंग द न्यू मोर सेल्स और इसलिए जो है इनका प्लांट का ग्रोथ बढ़ता जाता है. तो दैट प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज इंपॉर्टेंट. प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द इंक्रीज द ग्रोथ, इंक्रीज द ग्रोथ राइट. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ व्हेन द न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड. नए सेल एडेड होते रहेंगे, ऐसे एड होता रहेगा, नए सेल एडेड होते जाएंगे टू द प्लांट एंड एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टमेटिक इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ. मतलब बेसिकली ये ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ होता है. तो बेसिकली हम लोग जो है इसको लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आपको बेहतर से बेहतर हर एक लाइन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती. सो ग्रोथ इज मेजरेबल. यस यू कैन मेजर द ग्रोथ. ग्रोथ को आप नाप सकते हैं, है ना. सो द ग्रोथ अकर एट द सेलुलर लेवल. ग्रोथ अकर इज सेलुलर लेवल टू द इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म कंटेंट. प्रोटोप्लाज्म कंटेंट को बढ़ता रहेगा और ग्रोथ का साइज बढ़ता रहेगा. सो प्लांट अकर एट द सेलुलर लेवल. सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो इसका प्लांट का जो है प्रोटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ता जाएगा तो इसका सेल का साइज इंक्रीज हो जाता होता रहेगा और प्लांट का शेप बढ़ता रहेगा, प्लांट का हाइट बढ़ता रहेगा. सो इंक्रीज द प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली. आप डायरेक्टली किसी प्लांट का प्रोटोप्लाज्म को मेजर नहीं कर सकते हैं. प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है, आपको पता होगा सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है राइट. तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर देखा जाए, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर देखा जाए सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म राइट. और इस प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ बाहर जो होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं ठीक है. तो प्रोटोप्लाज्म का साइज अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इस सेल का साइज बढ़ेगा. तो इसको हम इतने आसानी से उसे मेजर नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं कि वाकई जो है इसका साइज बड़ा है या नहीं बड़ा है. सो इंक्रीज द प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली. देयरफॉर द ग्रोथ कैन बी मेजर बाय द वेरियस पैरामीटर. अलग अलग पैरामीटर से ग्रोथ को नाप सकते हैं. And the first is increase the fresh weight and dry weight. अगर किसी प्लांट का fresh weight और dry weight बढ़ता है, बड़ा हो जाता है तो समझते हैं कि yes, प्लांट में ग्रोथ हुआ है. तो increase the fresh weight of the fruit, vegetable, storage organ is used as a indicator of the growth. अगर फ्रूट का साइज बढ़ रहा है तो yes, प्लांट का weight, हाइट बढ़ रहा है, vegetables का बढ़ रहा है. तो ऐसे increase in the cell size, अगर साइज बढ़ रहा है तो ये भी पैरामीटर में आता है, ग्रोथ के पैरामीटर में आता है. सो इंक्रीज इन द सेल साइज इज अ पैरामीटर फॉर द मेजरिंग द ग्रोथ. ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं. एग्जाम्पल वॉटरमेलन
may increase the size up to the 350,000 time. तो देख सकते हैं कि कितना साइज को बढ़ा सकता है, ठीक है, कितने साइज को बढ़ा सकता है. इंक्रीज द सर्फेस एरिया, अगर प्लांट अपने सर्फेस एरिया को बढ़ाए तो ये भी एक ग्रोथ में आ सकते हैं. सो इट इज यूज टू मेजरिंग द ग्रोथ इन अ फ्लैट ऑर्गन लाइक अ लीफ. इंक्रीज द सर्फेस एरिया मतलब कि मान लीजिए लीफ है तो लीफ का साइज बढ़ रहा है, ठीक है. इट इज यूज टू मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ द फ्लैट ऑर्गन लाइक लीफ. लीफ अभी ऐसा है, कुछ समय बाद इतना बड़ा हो गया तो साइज बढ़ गया. सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज द साइज ऑफ द लीफ. इंक्रीज द सर्फेस एरिया टू मेजर द प्लेसिंग ऑफ द लीफ ऑन द स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर एंड ड्रॉइंग आउटलाइन एट द फिक्स इंटरवल. फिक्स इंटरवल में ऐसा करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सर्फेस एरिया को बढ़ना. फिर हम बात करेंगे इंक्रीज द सेल नंबर्स. अगर नंबर अगर बढ़ जाए तो वो भी ग्रोथ के पैरामीटर में आता है. तो हाउ कैन यू एस्टिमेट द ग्रोथ, आप ग्रोथ को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर है इसको एस्टिमेट करने का, ध्यान से देखिएगा. अगर सबसे पहली बात कि अगर प्लांट का सेल का साइज बढ़ जाए, है ना, प्लांट का सेल का साइज बढ़ जाए तो यस इट इज अ ग्रोथ, इसे हम ग्रोथ मानेंगे. दैट इज एस्टिमेशन ऑफ द ग्रोथ, राइट, एस्टिमेशन ऑफ द ग्रोथ. तो एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले प्लांट का पूरा क्या बढ़ गया, सेल साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. पहला एस्टिमेशन. फिर एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ को कैसे हम मांग सकते हैं. सो अगर एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दैट इज इंक्रीज द फ्रेश ड्राई वेट. अगर ड्राई वेट बढ़ रहा है तो दैट इज अ ग्रोथ. इंक्रीज द लेंथ, यस इट इज अ ग्रोथ. इंक्रीज द वॉल्यूम, दैट इज अ ग्रोथ. इंक्रीज द सेल नंबर, ग्रोथ. इंक्रीज द सर्फेस एरिया इज ग्रोथ. सो दिस इज अ पैरामीटर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द ग्रोथ. सो आप ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं. जैसे कोई बच्चा मेरे पास आता है, छोटा सा है, और अगर मैं पीडियाट्रिक्स क्लिनिक में हूँ तो मैं उसको ग्रोथ नापता हूँ, तो उसका वेट नापूंगा, हाइट नापूंगा. सो ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल होता है, ठीक है. तो अक्सर जो है ग्रोथ जो है हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग टेप से नापते हैं, है ना, मेजरिंग टेप से ग्रोथ नापते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे पास मेजरिंग टेप है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेंटीमीटर मीटर में सारा चीज न्यूमेरिक में है. तो इससे हम लोग ग्रोथ नापते हैं, राइट. तो इसमें हम ग्रोथ नापते हैं तो ह्यूमन बींग में तो हमारे पास मेजरिंग टेप होता है जिससे हम ग्रोथ नाप सकते हैं, बट प्लांट में ऐसा नहीं कर सकते. प्लांट में एक डिवाइस होती है एंड दिस डिवाइस नेम इज कॉल्ड ऑक्सोनोमीटर. ऑक्सोनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज इंपॉर्टेंट टू द मेजरिंग द ग्रोथ एंड इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द प्लांट. लेंथ ऑफ द प्लांट में कर सकते हैं. सो फेजेज ऑफ ग्रोथ के अगर हम बारे में बात करें कि फेजेज ऑफ ग्रोथ क्या होता है, कैसे होता है, तो प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस इन थ्री फेजेस. तीन फेजेस में ग्रोथ होता है. सो प्लांट ग्रोथ जो होता है हमारे तीन फेजेस में ग्रोथ होता है. पहला दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक फेज और फेज ऑफ सेल डिवीजन. फेज ऑफ सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और फेज ऑफ सेल डिवीजन. सो इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रोथ इन द प्लांट विच अकर इन अ एरिया वेयर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट. कहने करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक फेज और फेज ऑफ सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिससे जो है इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इन विच मतलब ऐसा समझिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि नए नए सेल को ऐड करता रहेगा और उसका साइज बढ़ता रहेगा. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ऐड करते रहते हैं, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा जो है उसका नंबर बढ़ता रहता है. एग्जाम्पल एट द शूट और रूट टिप. अगर मान लीजिए रूट है तो रूट टिप के ऊपर सेल्स को जोड़ते रहते हैं और रूट का साइज जो है बढ़ता रहता है. वेयर द मेरिस्टेमेटिक्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग. शूट है, मान लीजिए शूट है तो यहाँ पे भी ये ऐड करते रहेंगे और उसका जो है नंबर बढ़ता रहेगा. तो ये सारा चीज जो है ग्रोथ के लिए जाना जाता है और उससे ग्रोथ होता है. द सेल्स एट दिस फेज ग्रोथ शो द फॉलोइंग फीचर. ग्रोथ में क्या क्या फीचर है. द फर्स्ट फीचर ये हो सकता है कि उसका डेंस प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, ठीक है, डेंस प्रोटोप्लाज्म हो सकता है. दे कंटेन अ लार्ज न्यूक्लियस
न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हो सकता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, हाई रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकता है। एंड सेकेंड जो है, जैसे हमने फर्स्ट देखा कि मेरिस्मेटिक फेज और फेज ऑफ सेल डिवीजन इज द फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज इज अ फेज ऑफ सेल डिवीजन एंड मेरिस्मेटिक सेल्स। दूसरा फेज जो होता है फेज ऑफ इलोंगेशन और फेज ऑफ इनलार्जमेंट, अब इलोंगेट होगा, यानी पहले तो सेल्स एड हो गए और फिर अब इलोंगेट होगा, तो इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, न्यू सेल डिपोजिशन, सेल साइजेस। मैच्योरेशन फेज और फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन फेज और फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, द इनलार्ज सेल डेवलप इनटू द स्पेशल और पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल बाय अंडरगोइंग द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। जो इनलार्ज सेल्स होते हैं, ठीक है, मैच्योरेशन और इसका मैच्योरेशन फेज और फेज ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब कि जो सेल का साइज बढ़ा है। सो मैच्योरेशन फेज और फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, सो इनलार्ज सेल डेवलप इनटू द स्पेशल और पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल बाय अंडरगोइंग स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में बदल जाता है। द स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, द सेल्स कंटेन अटेन अ पर्टिकुलर शेप, जो सेल जो होता है एक पर्टिकुलर शेप को एक्वायर करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन की बात करें, द सेल्स कंटेन अ पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन करेगा, तो दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। द सेल्स कंटेन अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द वॉटर मिनरल्स बाय द रूट हेयर, फोटोसिंथेसिस बाय द मेसोफिल सेल। सो ये सारे जो है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है। अगर कोई मेसोफिल सेल अब फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करें, रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट करें, तो दैट इज कॉल्ड ये सेल्स अब मेच्योर हो चुके हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द डूइंग द फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज अ ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस अ मोर सेल्स इन अ वराइटी ऑफ वे। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सेल को प्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे उनमें हर एक सेल ऐड होता रहता है और जो है उसका ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ होता है। सो द इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इट इज डिफाइंड एज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट तभी हम बताते हैं या कहते हैं जब पूरा एक सर्टेन टाइम में देखते हैं कि लेट सपोज कि 5 दिन में अगर प्लांट 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ अटेंड किया है, तो आफ्टर द 10 डेज, 10 दिन में जो है हमने देखा कि ये 10 सेंटीमीटर ग्रोथ अटेंड कर लिया है ना। सो दैट इज कॉल्ड रेट, द इंक्रीज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ रेट कैन बी कैलकुलेटेड द अर्थमेटिकल एंड जियोमेट्रिकल, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, इतना एज सच इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अर्थमेटिकल और जियोमेट्रिकल ग्रोथ नहीं है, कभी भी आज तक मैंने देखा नहीं इससे कोई क्वेश्चन आते हुए, बट यस हमें हर पहलू पे देखना होगा, हर चीज पे ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी नहीं जानता है कि वाकई इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। सो दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, वन इज कॉल अर्थमेटिकल ग्रोथ एंड जियोमेट्रिकल ग्रोथ, इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। अर्थमेटिकल ग्रोथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स है, धीरे धीरे इसका जो है साइज कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ज्योमेट्रिकल में पूरा फैलाव हो रहा है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सो अर्थमेटिकल जो ग्रोथ होता है, इट इज अ ग्रोथ रेट एट विच द ग्रोथ अकर एट द कॉन्स्टेंट रेट, मतलब धीरे 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 लगातार एक कॉन्स्टेंट रेट में ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक से ग्रोथ हो जाए। अचानक से ग्रोथ का मतलब ऐसे कि अचानक से तेजी से ग्रोथ हुआ, ठीक है, 10 दिन बाद 20 सेंटीमीटर का हो गया, ऐसा नहीं, 10 दिन बाद धीरे 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 कॉन्स्टेंट वे से अगर ग्रोथ हो, सो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ग्रोथ। सो इट इज अ ग्रोथ रेट इन विच द ग्रोथ अकर एट कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट रेट से अगर ग्रोथ हो, सो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ग्रोथ एंड इट इज वेरी बिगनिंग एंड प्रोसेस एंड अर्थमेटिकली, कॉन्स्टेंट रेट से धीरे 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 ग्रोथ हो, सो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ग्रोथ। और इसमें इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह है, इससे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। सो माइटोटिक सेल डिवीजन, ओनली द वन डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड
वाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, अदर जो है डिफरेंशिएट और मैच्योर हो सकते हैं। रूट एलोंगेशन की अगर हम बात करें, तो इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड रूट एलोंगेशन। इसका एग्जाम्पल है रूट एलोंगेशन जो होता है, रूट का साइज जो बढ़ता है कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। सो वॉट इज अ एल टी? लेंथ एट द टाइम टी, ठीक है, लेंथ एट द टाइम टी। एल नॉट का मतलब है लेंथ एट द टाइम जीरो। तो पहले अगर हम लेंथ के बारे में बात करें, तो एल नॉट मतलब कि लेंथ इस समय मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो कुछ समय बाद लेट सपोज 5 आवर बाद इसका लेंथ कितना बढ़ा, तो 1.1 सेंटीमीटर बढ़ा। सो एल टी मतलब कितने, मतलब एल नॉट मतलब अभी हमने मेजर स्टार्ट किया द लेंथ एट द टाइम जीरो, और अब हमने पांच घंटे बाद हमने देखा कि इसका जो लेंथ है वो 1.1 सेंटीमीटर मान लीजिए हो गया है। एंड आर मतलब ग्रोथ रेट, कितना ग्रोथ रेट है, एलोंगेशन पर टाइम कितना है वो हम देख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट जो है एक कॉन्स्टेंट वे से धीरे धीरे ग्रोथ होता है, और हम इस ग्रोथ को इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, जहां पे एल टी का मतलब होता है कि लेंथ एट द टाइम टी, एल नॉट का मतलब लेंथ एट द टाइम जीरो, और आर का मतलब होता है ग्रोथ रेट और इलोंगेशन रेट पर टाइम। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल ग्रोथ की। तो जियोमेट्रिकल ग्रोथ जो होता है, इट इज अ ग्रोथ रेट वेयर द एवरी सेल डिवाइडेड विथ ऑल द डॉटर ग्रोइंग और डिवाइडिंग अगेन, मतलब बेसिकली एक माइटोटिक जैसा होता है। इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज। तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सेल है, सेल से दो डॉटर सेल बने, दो डॉटर सेल से चार डॉटर सेल बने, एग्जैक्टली माइटोटिस जैसा ग्रोथ करता है। सो इट द ग्रोथ रेट वेयर द एवरी सेल डिवाइडेड विथ ऑल द डॉटर ग्रोइंग एंड द डिवाइडिंग अगेन एंड अगेन। दे कंसिस्ट ऑफ द लैग फेज। लैग फेज में जो भी सेल्स होते हैं दे प्रिपेयर, दे स्टार्ट प्रिपेयर फॉर द ग्रोइंग। सो दिस इज अ इनिशियल फेज ऑफ द ग्रोथ वेयर द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो। लैग फेज में बहुत ही स्लो ग्रोथ रहता है, बिल्कुल स्लो ग्रोथ रहेगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड द बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ होता है कि जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है ग्रोथ, ठीक है, तो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है ग्रोथ, तो दैट इज अ बिगनिंग ऑफ ग्रोथ है ये। ऑफ द सेल नंबर बहुत ही छोटे होते हैं। दे हैव अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेट सपोज अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो यहां पे लैग फेज है, फिर एक्सपोनेंशियल फेज होगा एंड फिर से वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज लुक लाइक जस्ट एस शेप, ये एस की तरह है ना। तो लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज। तो लैग फेज में जस्ट स्टार्ट हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फेज में अचानक से साइज बढ़ेगा और फिर साइज बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। जबकि अर्थमेटिक में धीरे 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 वहां पर लैग और एक्सपोनेंशियल नहीं आ रहा था, धीरे धीरे सारा चीज हो रहा था। यहां पर क्या हुआ, लैग फेज में जस्ट स्टार्ट हुआ है, एक्सपोनेंशियल में इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल में इंक्रीज होगा और फिर स्टेशनरी आ जाएगा। सो लैग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ सबसे ज्यादा होगा। सो इन दिस फेज द ग्रोथ पोजेस अ रैपिडली और एक्सपोनेंशियली, है ना, अचानक से ग्रोथ बढ़ेगा। मान लीजिए लैग है और एक्सपोनेंशियल में अचानक से ग्रोथ बढ़ेगा। सो ग्रोथ प्रोग्रेसेस रैपिडली और एक्सपोनेंशियली दैट इज रीच टू द मैक्सिमम। अब इसके बाद उसका उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसके बाद उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और फिर इस फेज में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज में आ जाएगा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ कैन नॉट सस्टेंडेड फॉर द लॉन्ग एंड ग्रोथ रीचेज टू द नेक्स्ट फेज। ग्रोथ जो होता है एक नेक्स्ट फेज में चला जाएगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज देखेंगे, मतलब कि रुकने वाला फेज। जैसे लैग फेज है, एक्सपोनेंशियल हुआ और अब स्टेशनरी आ गया, तो उसमें जो होगा उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं होगा। सो ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द स्पेस, फूड एक्यूमुलेशंस ऑफ द टॉक्सिन, ग्रोथ शो डाउन लीडिंग टू अ फेज नोन एज स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी फेज मतलब ग्रोथ जो होता है बिल्कुल स्लो हो जाएगा, वहां पे ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज।
सो इसको हम मेजर करते हैं डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं लैग फेज में बिल्कुल ग्रोथ स्लो है, एक्सपोनेंशियल में अचानक से बढ़ा और स्ट्रेस श्रेणी में बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, डब्ल्यू वन का मतलब इनिशियल साइज जैसे वेट हाइट नंबर क्या था, डब्ल्यू नॉट का मतलब इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एंड आर का मतलब ग्रोथ रेट है ना, और टी का मतलब टाइम ऑफ द ग्रोथ, एंड ई का मतलब बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। तो बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई होप कि आपने दोनों का मतलब डिफरेंशिएशन समझ में आया हो। सो देर आर द टू वेज बाई विच द क्वांटिटेटिव कंपेरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम कैन बी मेड, द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो बेसिकली दो क्वांटिटेटिव कंपेरिजन है जिससे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को नाप सकते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब है इट इज अ मेजरमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन द कॉमन बेसिस, एग्जाम्पल पर यूनिट टाइम इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ। मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब है कि दैट इज अ मेजरमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक टाइम में आपने पूरे ग्रोथ को मेजर किया, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब हुआ कि द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस इज अ कॉमन बेसिस, फॉर एग्जाम्पल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। मतलब रिलेटिव का मतलब ऐसा है कि दो प्लांट आपको लेना पड़ेगा और दोनों प्लांट को एक रिलेटिव देखना पड़ेगा कि ये प्लांट कितने समय में कितना ग्रोथ हो रहा है और इसका कितने समय में कितना ग्रोथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ। सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ। सो मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, मेरे बैचेस चलते हैं, अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और जो है मेरे लाइव सेशन का फायदा उठा सकते हैं। जब भी आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करेंगे तो मेरा रेफरल कोड होता है डॉक्टर Drsksingh, जो हर वर्ड में स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फ्री में टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।